RNA interference is a topic from standard 12 standard biology and biotechnology and its application. कहाँ यूज होती है टेक्निक? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए. 3 marks का क्वेश्चन आता है बोर्ड में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ नेमेटोड जिसका नाम है मेलोडी गाइनी इनकॉग्निटा. क्या करेगा नेमेटोड? एक प्रोटीन बनाएगा. दिस प्रोटीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इन रूट सिस्टम ऑफ टबैको प्लांट. उसकी वजह से क्या होगा? ये जो नेमेटोड है इसने सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लिए. रूट सिस्टम अब नरिश नहीं कर पा रहा है टोबैको प्लांट को, तो टोबैको प्लांट को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला एंड दिस रिजल्ट्स इन लो थे. कैसे हैंडल करेंगे इसको? इसको हैंडल करेंगे विद द टेक्निक ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मतलब वो इंटरफेयर कर रहा है आरएनए के फंक्शन के साथ. क्या फंक्शन है आरएनए का? डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन. सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तो ये आरएनए को प्रोटीन नहीं बनाने देगा. क्यों नहीं बनाने देगा? देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये एक हेल्दी टोबैको प्लांट है. अब इस प्लांट को जब निमेटोड इन्फेक्ट करना चाह रहा है, इट कुड नॉट इन्फेक्ट दिस प्लांट. वो यहाँ पे नोड्यूल नहीं बना पाया. क्यों नहीं बना पाया? प्रोटीन ही नहीं बने. क्यों नहीं बने प्रोटीन? क्योंकि यहाँ जब डीएनए ने सेंस आरएनए बनाया, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने इस सेंस आरएनए को साइलेंट कर दिया. कैसे साइलेंट कर दिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने इसको साइलेंट कर दिया. कहां से आया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए? तो हमें क्या करना है, इस प्लांट में निमेटोड स्पेसिफिक आरएनए साइलेंसिंग जीन डाल देने हैं ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कैसे डालेंगे जीन? विल द प्लांट सेल अलाउ एनी काइंड ऑफ डीएनए टू कम इनसाइड? नो. वी नीड अ वेक्टर फॉर दिस. वेक्टर क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसेंस. तो ये एक वेक्टर है, एक वायरस है जिसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स होती है और ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ व्हाट डज दिस टीआई ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसेंस डू? ये नेमेटोड स्पेसिफिक आरएनए साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेस करेगा प्लांट सेल में. कैसे? वैसे ही जैसे होते हैं, यू हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. अब देखो जनरली क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे कुड नॉट मेक आरएनए. सिर्फ एक ही आरएनए बनता है जिसको बोलते हैं सेंस आरएनए. बट इन दिस केस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बना रही है, एक सेंस आरएनए एक एंटी सेंस आरएनए. अब जैसे ही निमेटोड प्लांट पे अटैक करेगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये क्या करेगा? ये सेंस आरएनए के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा और इसको साइलेंट कर देगा, खामोश कर दिया इसको. तो जब ये साइलेंट हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, देखो इट इज ऑल ब्रोकन डाउन. अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, अब ना ये प्रोटीन बनाएगा ना इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो नाउ एक कंफ्यूजन जो हमेशा बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सेंस आरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या वो एक 3 स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर बनाएगा? नो, दिस डज नॉट हैपन. व्हाई दिस डज नॉट हैपन? क्योंकि इसमें और भी स्टेप्स है. जैसे कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये क्या बनाता है? आरआईएससी, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंस कॉम्प्लेक्स. बट दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, तो इसको अभी भूल जाएंगे. अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो कि एक ट्यूमर इंड्यूसिंग वेक्टर है, उसने प्लांट सेल में निमेटोड स्पेसिफिक आरएनए साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेस किए. उसने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया. अगेन यू कैन हैव अ क्वेश्चन कि आरएनए साइलेंसिंग के लिए क्या काम करता है? इज इट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए? द आंसर इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. और उसने क्या किया? निमेटोड के सेंस आरएनए को साइलेंट कर दिया ताकि नोड्यूल फॉर्मेशन ना हो पाए. थैंक यू.